दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ऑफिस में हलचल बढ़ी है। आज कई राज्यों को लेकर लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। संभवतः झारखंड को लेकर भी आज जो है वो बैठक हो सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और चुनावी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी दिल्ली में मौजूद हैं और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठक से पहले झारखंड के आला नेतृत्व ने लोकसभा सीटों को लेकर दिल्ली में बैठक की थी और झारखंड में हुई लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा का परफॉर्मा बनाया। आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा 14 लोकसभा सीटों पर परफॉर्मा कि किस तरीके से इन 14 लोकसभा सीटों पर अब बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार तैयार कर रही है। और ऐसे में आज ये हलचल जो है वो दिल्ली में बढ़ी है बीजेपी ऑफिस में, जहां झारखंड के प्रभारी चुनावी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी वहां पर मौजूद है और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को लेकर भी आज ये चर्चा। झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन हो रहा है। और इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना को रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में हलचल तो बढ़ गई है, लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। झारखंड विशेष की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां पर मौजूद है, बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद है। 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारना है और इस बार क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की, ये मंथन अब जो है दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी में देखने को मिल रहा है। भावना, देखिए 24 का बिगुल तो क्योंकि बच चुका है, ऐसे में अब सबसे जरूरी बात रह गई है कि आखिर किन उम्मीदवारों पर एक बार फिर से मोहर लगाई जाए और उनका नाम फाइनल किया जाए। ऐसे में 5 राज्यों को लेकर पहले बैठक हो चुकी है और यही बीजेपी का जो है विस्तार कार्यालय है जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और इसी कार्यालय में इस वक्त जो है बैठकों का दौर जारी है। यहां इस वक्त जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है और इसी के साथ जो कोर कमेटी के मेंबर है वो मौजूद है। लोकसभा सीटों को लेकर क्योंकि बातचीत हो रही है, ऐसे में कई राज्य के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें बुलाया गया है, जिनसे जो है एक तरीके का फीडबैक अब लिया जा रहा है कि आखिर आप बताइए कि आपके राज्य में जितने भी लोकसभा है उसमें अभी तक क्या क्या काम हुए और इसी के साथ किसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। अगर आप बात करते हैं झारखंड की, झारखंड का जिक्र आएगा तो जल जंगल जमीन की बात होगी और जब जल जंगल जमीन की बात होगी तो ऐसे में उन जो है नेताओं की तरफ दृष्टि जरूर जाएगी जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है। 14 लोकसभा सीटें हैं, पहले ही बीजेपी के खाते में 11 सीटें थी, जिसके बाद अब देखा गया कि हाल ही में गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से आती है, सांसद है, उन्हें भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया। इसके बाद एक सीट है जो आजसू से आती है और एक सीट जेएमएम के पास है। आजसू जो है वो एनडीए घटक दल है, यानी कि कुल मिला के 13 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी की जो है स्थिति जो है अभी तक साफ नजर आ रही है। एक सीट जो है जेएमएम के खाते में है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या 14 की 14 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कमल खिला पाएगी, झारखंड में यह स्थिति देखी जाएगी जो कि अभी तक 11 सीटों पर देखी गई है। तो इसी जो है बीजेपी के कार्यालय में इस चीज का मंथन होगा कि आखिर ऐसे कौन से 14 उम्मीदवार है जिन पर एक बार फिर से मोहर लगाई जाएगी और उन 14 उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। क्या पुराने नामों को भी रिपीट किया जा सकता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में संजय सेठ की अगर बात की जाए तो रांची से आते हैं, सांसद है, कहा जा रहा है कि उनके नामों को भी लेकर मंथन चल रहा है। इसके अलावा उसमें भी 2 विकल्प ऐसे सामने आए हैं जिनको लेकर रांची लोकसभा से मंथन चल रहा है। इसके बाद लोहर दग्गा की बात करें या फिर हजारीबाग की बात करें या सिंहभूमि की बात करें या और भी जो सीटें हैं जिसमें शायद पलामू भी शामिल है, इन तमाम सीटों को लेकर भी एक परफॉर्मा पहले ही झारखंड में तैयार किया जा चुका है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में और इसी के साथ संगठन महामंत्री के नेतृत्व में। लेकिन अभी सभी ये नेता क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, इससे पहले भी यहां मीटिंग हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपस में बैठकर एक बार फिर से जो परफॉर्मा झारखंड से लेकर आया गया है उस पर बातचीत हो चुकी है, उस पर मंथन हो चुका है। एक लिस्ट मेरे पास है, मैं चाहूंगी मैं थोड़ा सा दर्शकों को उसकी जानकारी दे दूं कि किन किन नामों को लेकर जो है मंथन चल रहा है और किस पर जो है आने वाले समय में मोहर लग सकती है, क्योंकि ये नेतृत्व के पास अधिकार है कि किस पर मोहर लगेगी, लेकिन मंथन किस पर चल रहा है, किस किसके नाम वैकल्पिक तौर पर सामने आए हैं, ये जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम रांची से। रांची में क्योंकि वर्तमान में संजय सेठ सांसद है, ऐसे में उनका नाम भी सामने चल रहा है। इसके अलावा जो है रांची से 2 नाम और है, प्रदीप वर्मा और रमाकांत महतो। अब
बात कर लेते हैं धनबाद सीट की, क्योंकि धनबाद भी एक लोकसभा सीट है, झारखंड में आती है। ऐसे में यहाँ पर पीएन सिंह, राज सिन्हा, रागनी सिंह, इन तीन का नाम आगे चल रहा है। अब बात करते हैं अगली सीट की, लोहरदगा। लोहरदगा की बात की जाए तो समीर उराव, सुदर्शन भगत और अरुण उराव। अब समझिए थोड़ा सा कि जब समीर उराव की बात करते हैं तो एसटी मोर्चा के पहले से ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और उनके पास जो है राज्यसभा भी है, लेकिन वो उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, यानी कि एक बार फिर से एसटी चेहरे के तौर पर उन पर दांव खेला जा सकता है लोहरदगा सीट से। अब आगे चलते हैं पलामू सीट पर, अगर देखें तो बीडी राम, जो कि विष्णुदयाल राम, जो कि पहले से सांसद भी है। ऐसे में इसी सीट पर दो नाम और आ गए हैं जिसमें शामिल है जवाहर पासवान और इसी के साथ मनोज। अब बात करते हैं खूंटी लोकसभा से थे, तो खूंटी लोकसभा में अर्जुन मुंडा की अगर बात की जाए तो पहले ही केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी है, लेकिन इसी खूंटी लोकसभा में दो नाम और आ रहे हैं, एक है नीलकंठ सिंह मुंडा और दूसरा है जगन्नाथ मुंडा। ये वो नाम है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, जिनकी चर्चा पहले ही झारखंड में हो चुकी है नामों को लेकर, जिसमें वैकल्पिक तौर पर जो नाम है वो सामने रखे गए हैं। और यहीं पर, क्योंकि बीजेपी ऑफिस है, यहीं पर वो बड़े अपने जो अधिकारी है झारखंड के वो आए हैं, वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, कोर ग्रुप के सामने उस परफॉर्मा को रखने वाले हैं, उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, फिर जो है ये तय होगा कि किन नामों को सामने रखा जाएगा। लेकिन एक सबसे जरूरी बात क्या है वो मैं बता दूं कि इस बार महिलाओं पर दांव खेला जा सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से गीता कोड़ा कांग्रेस में थी और उसके पास सांसद भी है वो, और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाती है, तो ये कहा जा रहा है कि उनका नाम भी आगे चल रहा है। अन्नपूर्णा देवी की बात की जाए, कोडरमा से आती है, सांसद भी है, केंद्र में मंत्री है, उनका नाम भी आगे चल रहा है। यानी कि इस बार 2 से 3 महिलाओं पर भरोसा जताया जा सकता है। 14 लोकसभा सीटों में देखा जाए तो अभी तक बीजेपी के नेतृत्व में जिन सीटों में बीजेपी जीती है उसमें मात्र एक महिला है जो सांसद बनी, अन्नपूर्णा देवी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 महिलाओं को मौका मिल सकता है चुनाव लड़ने का, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि गीता कोड़ा का नाम भी शामिल हो सकता है संभवतः। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है झारखंड की, उनको भी मौका मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अटकलें हैं कि जिन पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समीर उराव, जो कि एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है बीजेपी के और राज्यसभा का उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो क्या बीजेपी उन पर भी दांव खेल सकती है? ऐसे कई नाम हैं, 14 सीटें हैं और एक एक सीट पर 3-3 नाम हैं वैकल्पिक तौर पर, और अब ये तय होना है कि उन सीटों में भी 2 से 3 सीटें ऐसी होगी जिसमें महिलाओं को मौका मिलेगा, तो कौन सी वो सीटें होगी जिसमें महिलाओं को मौका मिलेगा कोडरमा सीट के अलावा, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। और क्योंकि एनडीए गठबंधन के ही साथी हैं, ऐसे में कितनी सीटें एनडीए को जाने वाली है, कितनी सीटें बीजेपी के पास रहेगी झारखंड के लिहाज से, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल, क्योंकि एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, कोर ग्रुप के तमाम नेता यहां पर मौजूद है, और मध्य प्रदेश को लेकर लो है बैठक हो चुकी है, गुजरात राजस्थान का भी नंबर आना है, और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि शाम तक झारखंड के भी लीडर्स बैठक में शामिल होंगे, जो परफॉर्मा लेकर आए हैं झारखंड से उसको भी यहां पर रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, भावना आप नजर बनाए रखिए और बैठक पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, किन और भी लोगों के नाम जो है उम्मीदवारों के नाम निकल कर सामने आते हैं, ये भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा जानकारी। फिलहाल भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और क्या कुछ अपडेट इस बैठक के जरिए निकलकर सामने आ सकती है। शाम तक उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो चर्चा होगी झारखंड विशेष की, अगर हम बात करें तो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।